most, I sell most 20 to 25 days ago. Tazim Insaniyat Foundation के chairman मेरे पास आए and he said that he want to organize a mega camp, a mega medical camp. अभी बहुत जल्दी है मुझे. I'm sorry. I'm getting late for my clinic. Sorry. Long story short, clinic पे जाके बताता हूँ. It's a very sunny day and cool breeze is blowing and the sun is stunning. Ah, welcome the winter. That he want to organize a camp, जिसमें ना सिर्फ physician, psychologist, physiotherapist and free screening test will be provided as well and optometrist. And I was like, what? Seriously? I asked him, आपके पास budget कितना है? And he said to me, बासित भाई हमारे पास तो इस वक्त ये पेन है और महमूद ये डायरी निकालो. एग्जैक्टली यही वर्ड थे, मुझे याद है. उसने ईच एंड एवरीथिंग उस पेपर पे लिख दी एंड ही सेड जब हम ये लिख लेंगे हर चीज़ हो जाएगी. ईच एंड एवरीथिंग मतलब नो मनी इन द पॉकेट एंड ही इज हैविंग अ ड्रीम टू ऑर्गेनाइज अ फ्री मेडिकल मेगा कैंप. एंड आई वाज लाइक व्हाट? एंड ही वाज लाइक जी जी हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह मदद करेगा. एंड everything was done fantabulously and here is the camp. TIF Pakistan, TIF Pakistan, TIF Pakistan, TIF Pakistan, TIF Pakistan, TIF Pakistan. लेके उठे हमदर्दी का जज्बा. अस्सलाम वालेकुम जी, हम मौजूद हैं तादीम इंसानियत फाउंडेशन की तरफ से लगाए जाने वाला फैसलाबाद में ये कैंप. और इस कैंप में जो है अभी हम यहाँ पर तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके पास बारी बारी जाएंगे और उनसे हम पूछेंगे कि उनको ये कैंप कैसा लगा. यहाँ पे जो SOPs हैं उनकी वो पासदारी जो की जा रही है और कैंप के बारे में बताएंगे. अभी हमारे साथ मौजूद हैं जी अली भाई, और अली भाई जो है ये सैम्पलिंग के अंदर है. अली भाई ये बताइएगा कि जो कैंप है ये आपको क्या कहेंगे कैंप के बारे में? माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कैंप चल रहा है और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा. हम इंसानों की खिदमत के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं तो काफ़ी अच्छी तैयारी. अली भाई आप ये कैंप में क्या कर रहे हैं? अभी आप ये जो काम कर रहे हैं क्या टेस्टिंग किस किस चीज़ की, कौन कौन से टेस्ट कर रहे हैं? लोगों की फ्री स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी, इसके अलावा जी. अब हम जो है अपना डिस्पेंसरी पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम महमूद भाई से पूछेंगे कि डिस्पेंसरी के अंदर वो कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो कॉमन जो है वो यहाँ पे दी जा रही है. महमूद भाई यहाँ पे हम लोग जो दे रहे हैं कॉमन जो फिजियोथेरेपी में मेडिसिन यूज़ होती है जिसमें हमारे पास पेन किलर, एंथ्रेक्स वगैरह मसल रिलैक्सेंट आ जाते हैं वो चीज़ें हम दे रहे हैं. इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट सीरम्स एंड जनरल फिजिशियन जितने भी मेडिसिन हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं. इसके अलावा कार्डियक की और पेट से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन है वहाँ पे दे रहे हैं. ठीक है, थैंक यू. आपको मसला है फिलहाल जो है जो हमारे मेल डॉक्टर्स हैं उनके पास हम आए और इनसे पूछते हैं कि वो उनका कैंप के बारे में क्या एक्सपीरियंस है. ये मेडिकल विंग का प्रेसिडेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है. इससे पहले 50+ मेडिकल कैंप हम लोग कर चुके हैं और ये कैंप अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा अच्छा जा रहा है. सर कितने पेशेंट्स की इनटेक हो चुकी है अब तक, कोई आपके आइडिया? तकरीबन 300+ पेशेंट हो चुके हैं. थैंक यू सो मच सर. अस्सलाम वालेकुम सर. सर आपका नाम? डॉक्टर काफी शेजाज़ी. सर आपकी डोमेन? सर जनरल फिजिशियन. ठीक सर, तो आप मुतमईन हैं बिल्कुल? कितनी पेशेंट इंटेक हो चुके हैं सर आपके पास? हमारे जनरल फिजिशियन में अराउंड 100+ हो चुके हैं. ठीक है सर, ठीक. थैंक यू सो मच. वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर आप ये बताएं कि आपके नाम क्या है सर, डोमेन क्या है? मैं मेरा नाम बासित अली, आई एम वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एट हेल्थ केयर स्पाइन सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड वी ट्रीट विदाउट ऑपरेशन एंड वी बेसिकली पेन मैनेजमेंट. ठीक है, तो सर आज आपके पास कितने पेशेंट इंटेक हुआ? ऑलमोस्ट 25. ठीक होगा, तो सर आप मतलब आपको लगता है SOPs जबरदस्त हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं? या एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड.
दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटिंग एंड द पेशेंट फ्लो इज़ वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलते हैं ताज़ीम इंसानियत फाउंडेशन के स्कैम की इंतजामिया की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने आज के स्कैम के लिए क्या तैयारियाँ की। तो अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, हिरा अशरफ। तो आपकी डोमेन क्या है? मैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट हूं, बोल रही हूं। ठीक है, तो आपने जो इंतजाम किए हैं इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये हमारा 7th कैंप है और अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिनों के अंदर अंदर हमने ये बहुत अच्छा कैंप अरेंज कर लिया और अब तक 300+ पेशेंट्स हमारे पास आ गए और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कैंप को मज़ीद बेहतर करें और इस इलाके में मज़ीद बेहतरीन सहूलियात सेहत के हवाले से लेके आए। जी, थैंक यू सो मच। सलाम सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर फैजान। सर, आपकी डोमेन? मैं अलाइड हॉस्पिटल में एज अ हाउस सर्जन जॉब कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो सर, आज का आपका एक्सपीरियंस इस कैंप के बारे में कैसा रहा? माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इतनी छोटी लेवल यानी कि जहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पे जाके लोगों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। ये इनकी यानी कि हम तो कहेंगे कि ये इनकी एक बहुत अच्छी काविश है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद इसमें तरक्कियाँ अता फरमाए और इनको हम तो ये कहेंगे कि जहाँ भी हमारी कोई भी किसी किस्म की भी ज़रूरत हो, हम 24 घंटे इनके लिए हाज़िर हैं। और हमें भी बहुत खुशी होती है कि इतने छोटे लेवल पे इतने यंग टैलेंट अभी मिलके सारे मिलके इन्होंने ये अरेंज किया है, जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं और एक गरीब कम्यूनिटी के लिए ये अरेंज किया है। कोई यानी कि इसमें ये नहीं है, क्योंकि हर कोई अमीरों के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन गरीबों के लिए कोई कोई करता है। तो ये एक बहुत अच्छी काविश है। मैं तो कहूँगा इस तरह के बहुत सारे लोगों को और भी जितने भी हैं डॉक्टर्स वगैरह हैं उनको इस तरह कैंप अरेंज करने चाहिए, महीने में एक अरेंज कर लें इनके कुछ लोग मिलके, जितना हो सके हमें गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए लाजमी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अब हम मौजूद हैं ताज़ीम इंसानियत फाउंडेशन के इस कैंप के उस एरिया के अंदर जहाँ पर अल्ट्रासाउंड जो है वो किया जा रहा है। इस एरिया के अंदर अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अब तक तकरीबन जो है 50 पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड किया जा चुका है। नवाब मेडिकेयर की तरफ से जो है ये फैसिलिटी यहाँ पर ताज़ीम इंसानियत फाउंडेशन वालों को प्रोवाइड की गई है, जिसमें फ्री अल्ट्रासाउंड जो है उसकी फैसिलिटी जो है वो पेशेंट्स को दी जा रही है। तो हम जो है वो वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ा फरियाद है और मैं ताज़ीम इंसानियत फाउंडेशन के साथ आज मेडिकल कैंप में काम कर रही हूँ और ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारे लोगों को हमने ट्रीट किया है, उनको फ्री जो है ना उनको उनका ट्रीटमेंट किया, उनको मेडिसिन प्रोवाइड किए, उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट किए हैं और इससे जो इस एरिया के लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम महमूद अहमद है और मैं ताज़ीम इंसानियत फाउंडेशन में एज ए प्रेजिडेंट काम कर रहा हूँ। आज जैसा कि आपको पता है कि हमने फैसलाबाद में मानावाला में एक मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया, जिस जो कि माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत कामयाब रहा और सब टीम मेंबर्स ने बहुत अच्छा काम किया। स्पेशली हमारे साथ जो हमारे स्पॉन्सर थे उमा हॉस्पिटल से नासिर भाई, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो मेरी तरफ़ से और पूरी ताज़ीम इंसानियत फाउंडेशन की तरफ से इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आइए अब मैं इनसे पूछता हूँ कि इस कैंप के बारे में इनके क्या तासरात हैं। कैंप जो है वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था आज का, ठीक है, और मैं तमाम मेम्बर जो है उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, ठीक है। और हमारा उमा हॉस्पिटल और आपकी ताज़ीम इंसानियत फाउंडेशन इंशाल्लाह अगले भी कैंप जिस तरह हमने पहले किए हैं 3-4 कैंप, उस तरह आगे भी हम इंशाल्लाह इस तरह ही कैंप करते रहेंगे, ठीक है, और हमारा कलेबरेशन जो है वो अच्छा चलता रहेगा। और ताज़ीम इंसानियत फाउंडेशन एक अच्छी फाउंडेशन है, ठीक है, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, और इंशाल्लाह हम लोग आगे आने वाले वक्त में भी स्पॉन्सर करेंगे, ठीक है, कैंप इंशाल्लाह इस तरह ही अच्छा कैंप करेंगे। जी,